हेलो एवरीवन, मैं बासु एंड दत्ता, क्लास 12 का चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 23 नंबर सम्स करने जा रही हूँ। मुझे बहुत लोगों ने इस सम्स के लिए कमेंट किया था, बट उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि इतने सारे सम का डिमांड था कि वो सब करते करते टाइम ही नहीं मिला। इसीलिए मैं आज ये 23 नंबर सम्स कर दे रही हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस सम्स का वीडियो में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसके लिए आपको मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखना होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या है, गुडविल कैसे, क्या होता है, नहीं होता है, क्या रूल है, क्या फार्मूलास है, वो सब पार्ट 1 वीडियो में दिया हुआ है। मैं वापस वो सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ मैं सम सॉल्व करूँगी और सम समझाऊँगी। ठीक है, तो आप पार्ट 1 वीडियो देख के ही आप ये सम बनाइएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिएगा क्योंकि सुपर प्रॉफिट सब भी है इसमें, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट बहुत सारा है। सब मेथड फार्मूला देख के ही बनाइएगा। ये सब क्लियर होगा तो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डेथ तो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, रिटायरमेंट और एडमिशन क्लियर रहेगा। तो चलिए हम लोग 23 नंबर सम्स करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है, मिस्टर संथराम प्रपोजेस टू द परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय मिस्टर सोमप्रकाश। गुडविल इज़ वैल्यूड ऑफ 3 ईयर्स। आपको गुडविल 3 साल का निकालना है। वेटेड एवरेज मेथड प्रॉफिट है, ये भी आपको पता है, मैंने समझाया हुआ है मैंने पिछले वीडियोज़ में क्या होता है। लास्ट 4 ईयर का मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये प्रॉफिट है 4 साल का। फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना हुआ, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना हुआ। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट क्या है, देखिए इन द मिडिल ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर मतलब क्या, ये ईयर में, थर्ड ईयर में आपका प्लांट का रिपेयरिंग जो हुआ था 10,000 का, वो रिवेन्यू हो गया, मतलब ऐड करना पड़ेगा। और इसका लिस्ट भी मैंने दिया है पिछले वीडियोज़ में, देख लीजिएगा 3-4 तो शायद 6 नंबर सम्स में मैंने जो बताया तो लिस्ट दी है। आप 4-5 तो वीडियो देखिएगा, आपको लिस्ट मिल जाएगा कि क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या लेस होता है। ठीक है, तो वो सब वीडियो देख लीजिएगा तभी बनाइएगा। तो द सीड सम इज अग्री टू कैपिटलाइजेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, सब डेप्रिसिएशन है 10% का पर एनम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। बस आपने क्लास 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होगा, उसमें आप सबने समझा होगा कि डिमिनिशिंग क्या होता है, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगी। क्लोजिंग स्टॉक आपको लिस्ट में मैंने बताया था कि ओवर वैल्यूएशन होने से क्या हो जाएगा, वो एक तरफ ऐड और एक तरफ लेस होता है। ओवर वैल्यूएशन मतलब बढ़ गया आपका। ठीक है, तो किस में हुआ है, ये सेकंड ईयर में, तो मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ओवर वैल्यूड हुआ है, माइनस करना होगा फिर प्लस करना होगा। ठीक है, इट इज़ अग्रीड दैट 5,000 चार्ज ऑन एनुअल बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बीन चार्ज अर्लियर। ये आपका क्या हो गया, मैनेजमेंट एक्सपेंसिस हो गया, मतलब सब, ये आपको कोई ईयर का मेंशन नहीं दिया है, इसका मतलब सभी ईयर में आपको ये 5,000 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल निकालना पड़ेगा सोमप्रकाश का। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में देखिए। सॉल्यूशन ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 34,000 आपका फर्स्ट ईयर में था, 34, 39, 33 और 45 हम लोगों ने लिख लिया, 34, 39, 33, 45 लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या था, 5 ये वाला को हटा देते हैं, 5,000 आपका सभी ईयर में है, मतलब आपको सभी ईयर से ये माइनस करने, आप इसीलिए सभी ईयर से 5,000 इसको भी माइनस कर लिए, इस भी ईयर में भी बात आगे पीछे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,000 माइनस किए, इसमें भी किए, देखो मैंने सभी इस चीज़ को हटा दिया मैंने माइनस करके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये ओवर वैल्यू जो है 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक का, तो ये 4,000 आपको माइनस ही होता है, सेकंड ईयर में बोला है तो सेकंड ईयर में माइनस किए, लेकिन ये ओवर वैल्यूएशन है तो उसका नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि अंडर वैल्यूड हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट ईयर में आपको फिर दिखाना पड़ेगा प्लस करके। ठीक है, सेकंड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ, बढ़ गया, इसलिए घर माइनस किया, और नेक्स्ट ईयर में उसका बोला नहीं रहेगा कि नेक्स्ट ईयर में आपको करना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूएशन रहता है तो आपको करना पड़ेगा।
तो सेकेंड ईयर में माइनस किए, थर्ड ईयर में वो अंडर वैल्यूड हो गया, इसीलिए प्लस करना पड़ता है। ठीक है, 4000, बस इस दोनों में ही आपको दिखाना होगा। जिस ईयर में, मान लीजिए जब थर्ड ईयर में बोला रहता तो आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दिखाना पड़ता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में बोला इसलिए माइनस किए, थर्ड ईयर में प्लस कर दिए, तो इन दोनों का भी काम हो गया। अब आइए मेन चीज़ में, मेन चीज़ क्या है, 10000 का जो आपका रिपेयरिंग का ये है वो आपका थर्ड ईयर, मिडिल ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर का मिडिल। ठीक है, तो थर्ड ईयर आपका ये है, उसमें 10000 हम लोगों ने ये कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि रिपेयरिंग है, प्लस की है 10000। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा इस अमाउंट का। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो 10000 का 10% तो होगा, ठीक है, लेकिन मिडिल जो बोला है तो मतलब हमको 6 मंथ मान के चलना पड़ेगा, 6 मंथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिप्रिसिएशन किया, 10000 का 6 मंथ 10%, तो कितना निकला, 500। तो ये 500 डिप्रिसिएशन था, इसलिए थर्ड ईयर में 10000 तो रिपेयरिंग वाला ऐड किए ही हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस करते हैं। लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका ये डिप्रिसिएशन होता है वो लेस होता है, तो थर्ड ईयर कर दिया मैंने, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है लिखा हुआ, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सेम नहीं रहता है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में रहता है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फिर आपको ये 10000 से 500 चला गया, तो बचा कितना, 9500। 10000 जो रिपेयरिंग कॉस्ट था उसका 500 डिप्रिसिएशन निकल गया, तो बचा कितना, 9500। अब उसका 10%, अब तो मंथ नहीं रहा क्योंकि इस मंथ इसमें सिर्फ फॉलो होगा, तो 10% ये हुआ, तो इससे आपका 950 आ गया। ये 950 अब नेक्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में यहाँ माइनस किए। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस यही है, डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस मेथड के कारण ही ऐसे हुआ है। ठीक है, तो अब हो गया, और तो कुछ नहीं था। देखिए, तो चलिए अब इससे इसको माइनस करके इतना आया 29000, 39000 माइनस 4000 माइनस 5000 करके 30000, 33000 प्लस 4000 माइनस 5000 प्लस 10000 माइनस 500 करके 41500, 45000 माइनस 5000 माइनस 950 आया 39050। अब इस वेटेड एवरेज मेथड है तो आपको तो पता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस किए 1 से तो इतना ही आया, 30000 को 200 मल्टीप्लाई किए तो 60000 आया, 41500 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 1,24,500 आया, 39050 को मल्टीप्लाई किए 4 से तो 1,56,200 आया। अब इस सबको ऐड किए तो कितना आया, 3,69,700। अब तो पता ही है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैक का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बाय नंबर, वेटेड नंबर ऑफ इयर्स, ये 10 फार्मूला सब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 सब में दे दिया है, अब देख लीजिएगा। इसे डिवाइड करने पर आपका ये अमाउंट आया। गुडविल आपको 3 साल के लिए बोला था निकालने, ये देखिए वैल्यूड है 3 ईयर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। ठीक है, ये है आपका आंसर, 23 नंबर सम्स, ये वर्किंग नोट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।